वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। रणबीर के घर में कटरीना के आने से पापा ऋषि कपूर ने क्यों किया ऑब्जेक्शन। एकता कपूर ने शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस की कैसे हाईजैक की लाइमलाइट। सिंघम 2 में अजय देवगन ने किसे बनाया अपनी हीरोइन। सनी लियोनी किस बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा बनना चाहती हैं? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सारी गॉसिप फटाफट पीबी एक्सप्रेस में। आज के बुलेटिन की शुरुआत कटरीना कैफ से। रिपोर्टेडली कटरीना जब रणबीर से मिलने कृष्णा राज यानी कि रणबीर के घर गई तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कटरीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया और कटरीना वहाँ से चली गई। तो क्या हुआ कृष्णा राज के अंदर, ये राज हम खोलने जा रहे हैं अपनी टॉप स्टोरी में। जिसका डर था हाल ही में वो हो गया है। जाग गए रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर, और पापा ऋषि कपूर ने रिपोर्टेडली कटरीना को लगाई है हटका। जी हाँ, रणबीर कपूर के पापा ने कृष्णा राज आई कटरीना को देखकर हंगामा खड़ा किया। उसी कृष्णा राज में जहाँ अक्सर कटरीना की मौजूदगी की खबरें आई हैं, पहले भी कई बार देर रात रणबीर कटरीना का पीछा करने वाले कृष्णा राज के पते पर पहुँचे हैं। कैट्स के बर्थडे पर भी रणबीर मीडिया को चकमा देकर कटरीना को अपने घर कृष्णा राज ही लेकर गए थे, लेकिन तब तक रणबीर कटरीना की वो पिक्चर्स नहीं आई थी, इसीलिए उनके पापा की नींद नहीं खुली थी। लेकिन अब जब रणबीर कटरीना की ये कंट्रोवर्शियल पिक्चर्स बाहर आ गई हैं, सुनने में आया है कि ऋषि कपूर को कटरीना को उनके घर के अंदर लाए जाने पर एतराज हो गया है। रिपोर्टेडली कृष्णा राज में कटरीना को देखते ही ऋषि कपूर ठीक वैसे ही भड़के जैसे वो मीडिया पर भड़ास निकालते हैं। अगर अब भी आप नहीं समझे कि ये पूरा चक्कर क्या है, तो जरा पहले रीकैप पर नजर डाल लीजिए, इससे आगे की बात समझने में आसानी होगी। 31 जुलाई की सुबह कटरीना अपने हॉलिडे से वापस आई। अपने इस हॉलिडे के दौरान कटरीना किसके साथ थी, वो अपडेट पहले ही एक मैगजीन की तरफ से पब्लिक हुई कुछ पिक्चर्स के जरिए आ चुका था। इसीलिए कटरीना ने आते वक्त अपना सारा गुस्सा मीडिया पर ही निकाला। हालांकि इस बीच हमने आपको बताया था कि इन पिक्चर्स को देखने पर ऋषि कपूर ने किस तरह मीडिया को निशाना बनाया, जबकि उन्हें चाहिए था कि वो मैसेंजर पर गुस्सा दिखाने की बजाय मैसेज के लिए अपना गुस्सा बचा कर रखें। और रिपोर्टेडली अगस्त 8 की रात रणबीर के कोलंबो से लौटने के बाद उन्होंने वही किया है। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर से मिलने कृष्णा राज पहुंची कटरीना को देखते ही ऋषि कपूर अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए। शायद ऋषि कपूर नहीं चाहते कि पहले ही रणबीर कटरीना की पिक्चर्स पर हंगामा खड़ा करने वाली मीडिया के हाथ इन पिक्चर्स से भी बड़ा कोई मुद्दा लग जाए। साथ ही ऋषि कपूर का गुस्सा उन रूमर्स की हवा निकालने के लिए भी काफी है जो ये इशारा कर रहे थे कि कटरीना को कपूर फैमिली में एक्सेप्टेंस मिल गई है, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस मिल गई होती तो शायद वो ऐसा कतई नहीं करते। फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। वेल, क्या आपको लगता है कि रणबीर और कटरीना को अपना रिलेशनशिप डिस्क्रीट रखना चाहिए? जब हमने ये सवाल ऑडियंस से पूछा तो उनका क्या था रिएक्शन, चलिए देखते हैं। As you know about this latest addition to our show, जहां हम आपसे पूछते हैं बॉलीवुड सेंट्रिक टॉपिक पर एक सवाल, आज से प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके इन्हीं व्यूज को शेयर करेंगे विद एवरीवन। Our today's question for our Twitter fans was, should Ranbir Katrina be more discreet about their relationship? To this, let's see what our Twitter fans have replied. Where some fans had a reply against Ranbir Katrina's PDA, some sympathized with the stars. A fan wrote, Ranbir knows that cheap love doesn't go far, so he doesn't want to become a joke. Whereas the second user responded, Ranbir should break up with Katrina. Oops, come on guys, let's not be that mean to these two. तो आइए आपको कुछ ऐसे fans के response भी दिखाते हैं who are in Ranbir Katrina support. Obviously not, doesn't matter if they are superstars. They have their own life and privacy. They should do what they feel like doing.
All in all, where there are negative responses to this story, we get a positive view too. We would like our Twitter fans to keep posting about their views to us and to see your thoughts go on air. Do not forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. Moving on, Ekta Kapoor ne Shahrukh ki film Chennai Express ki limelight hijack kar li. क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस देखने आई ऑडियंस को इंटरवल के वक्त वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। ये फैंस थिएटर में देखने तो शाहरुख की फिल्म आए थे, लेकिन इन फैंस पर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का जादू चढ़ गया। जी हाँ, एकता कपूर ने शाहरुख खान की फिल्म की पूरी लाइमलाइट हाईजैक करने की कोशिश की, क्योंकि जिन थिएटर्स में फैंस शाहरुख खान की फिल्म देखने आए थे, वहाँ एकता कपूर ने इन डांसर्स और कव्वाली वालों को भेज दिया ताकि जब इंटरवल हो तो ये चेन्नई एक्सप्रेस के वक्त ही फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का प्रमोशन कर सके। इसे प्रमोशन हाईजैक करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वेल, कुछ ऐसा ही आमिर खान ने गजनी के वक्त किया था, जिसकी फुल डिटेल हम आपको आज रात 10 बजे हमारे शो बीट नाइट में दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सनी लियोनी बॉलीवुड के एक टॉप एक्ट्रेस की तरह बनना चाहती हैं। जिससे सनी लियोनी इंस्पायर्ड हैं, उनका नाम सुनकर आप थोड़े शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि सनी की और उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। जरा देखिए, सनी लियोनी बनना चाहती हैं माधुरी दीक्षित। सनी लियोनी को माधुरी दीक्षित करती हैं इंस्पायर। सनी लियोनी को बनना है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी। दरअसल सनी लियोनी हमें मिली गोवा में एक फिल्म की शूटिंग के बाद। यहाँ हमने सनी लियोनी से पूछा कि वो बॉलीवुड में किन के जैसा बनना चाहती है, तो सुनिए क्या था सनी का जवाब। I always look up to somebody like Madhuri Dixit. I think that she's beautiful, she's a sexy woman, she's a mother, she's just somebody out there that I think a lot of people in the Bollywood industry look up to her, and they look up to her for a reason. I got to meet her on Jhalak Dikhla Ja, and I was so nervous and I was so scared, and I'm like, hi, I'm Sunny. Nice to meet you. जी हाँ, माधुरी दीक्षित ही है वो एक्ट्रेस जिनसे सनी लियोनी काफी इंस्पायर्ड है, एंड सनी डजंट स्टॉप देयर। शी वुड इन फैक्ट लाइक टू बी एन एक्ट्रेस लाइक माधुरी दीक्षित। I think when as an actor when you look up to somebody, she's definitely someone I look up to. I don't think that I fit in any We're in her bubble of, you know, her throne. Right. But she's definitely someone I aspire to be like. Well, Sunny, आपका ये aspiration हम समझ सकते हैं, but Madhuri के जैसे बनना आपके fans के लिए थोड़ा shocking हो सकता है, क्योंकि वो आपसे expect कुछ और करते हैं और आप उन्हें परोसना कुछ और चाहती हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. इस वीकेंड शाहरुख खान मुंबई के कई सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में गए, और वहां शाहरुख ने अपने फैंस से की मुलाकात। जरा आप भी देखिए। शाहरुख खान के लिए बेताब इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ शाहरुख की फिल्म देखने भी आई है और शाहरुख खान को रियल में देखने का मौका लेने के लिए। और शाहरुख खान को रियल में देखने का मौका इनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इसी को कहते हैं सुपरस्टार। देखिए तो सही, शाहरुख की एक झलक के लिए हर कोई कैसे पागल हो रहा है। इस वीकेंड शाहरुख अपनी फिल्म का रिएक्शन देखने मुंबई थिएटर्स में ऑडियंस के बीच ही पहुंच गए। मैं तो जहाँ पे भी गया हूँ, कभी गया हूँ, मेरा दिल कर रहा है और जगहों में जाऊँ बहुत सारी। हम लोग गए, जेटी गए, और वहाँ बहुत भीड़ थी, यहाँ हैं, और इंशाल्लाह कल मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में जाके अपने शहर में भी जाके थोड़ा देखूँ। यहाँ शाहरुख ने फिल्म की सक्सेस की खुशी सबके साथ शेयर की।
साल सवा साल से लगे हुए थे और बहुत खुशी होती है जब सबको इतनी खुशी होती है फिल्म देख के. इट्स रियली नाइस टू सी देम हैप्पी. दैट्स माय मेन थिंग. हालांकि शाहरुख ने अपनी सक्सेस के लिए रोहित शेट्टी का डायरेक्शन बताया. चेन्नई एक्सप्रेस में ऐसा कौन सा स्टीम का इंजन लगा जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और लगातार चलती है? इट्स कॉल्ड द रोहित शेट्टी चुक 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 चुक. वेल, इस विजिट में एक फनी इंसिडेंट भी हुआ. आई रिमेम्बर समबडी स्टोल माय मफलर. रोहित ने मुझे एक मफलर दिया था और मुझे याद है कि एक बार मैंने शूटिंग पे देखा था कि दीपिका ने ले लिया था, लेकिन मैंने वापस ले लिया. वो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो आज मैं पहन के निकला और किसी ने वो छीन लिया है. तो जिसने भी वो पहना है बड़े प्यार से पहनो और हो सके तो यार कल परसों वापस कर दो. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. सिंघम के बाद अब बननी जा रही है सिंघम 2 और इस फिल्म में अजय देवगन के ऑपोजिट होंगी बॉलीवुड की एक लीड हीरोइन. वेल, अजय अपनी नेक्स्ट मूवी में किसे बना रहे हैं हीरोइन, वी हैव ऑल द डिटेल्स. एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर आएगा सिंघम, लेकिन सिंघम के साथ उनकी हीरोइन कौन होगी, ज़ूम बता रहा है आपको. जी हाँ, फेविकॉल से धूम मचाने के बाद अब करीना सिंघम 2 में अजय देवगन की हीरोइन बनने जा रही है. वैसे पिछले साल जब करीना कपूर की शादी हुई थी तब सब ने कहा था कि करीना का शायद अब इसके बाद करियर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और फिल्में भी उन्हें कम मिलने लगे. उस समय उनके पास सिर्फ सत्याग्रह थे, लेकिन अब अजय देवगन ने उन्हें सिंघम 2 के लिए रिपोर्टेडली साइन कर लिया है. जी हाँ, ओंकारा, गोलमाल, सत्याग्रह में हिट जोड़ी होने के बाद अजय देवगन और करीना कपूर अब लौटेंगे रोहित शेट्टी की नेक्स्ट यानी सिंघम 2 में. वैसे रोहित शेट्टी की सक्सेसफुल चेन्नई एक्सप्रेस के बाद अब फिल्म मेकर से उम्मीदें बढ़ गई हैं और करीना और अजय देवगन को तो ऑडियंस ने हमेशा ही पसंद किया है. वेल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म का मीडिया और ऑडियंस के बीच बस जरूर रहेगा. फॉर इलेका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई. फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रमोट करने इमरान और सोनाक्षी पहुंचे एक टीवी शो में और यहाँ इमरान ने सोनाक्षी की जमकर की तारीफ. सुनिए जरा. इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा पहुंचे एक टीवी शो पर अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रमोट करने, जहां इमरान ने सोनाक्षी को बता दिया वन ऑफ द बेस्ट को-स्टार्स. पहली बार मैं सोनाक्षी के साथ काम कर रहा हूं और बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही पंक्चुअल एक्ट्रेस हैं. हर वक्त, हर रोज मैं कहना चाहूँगा, वक्त से पहले पहुँच जाती है. शी नोज़ हर डायलॉग, शी नोज़ द सीन इनसाइड आउट. आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ा इंस्पायर करता है. वैसे सोनाक्षी कितनी पंक्चुअल है ये हमें यहाँ मौजूद टीवी शो के एक्टर ने भी बताया. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर फॉर अस टू वर्क विद बिग स्क्रीन स्टार्स एंड टू लर्न अ लॉट. लाइक सोनाक्षी जी, अभी पता चला कि शी वाज हियर बाय 11. She was here by 11. That's punctuality to what extent, I don't know. Because she was called after 12:30. After 12:30. Yeah, yeah. उनको 12:30 बजे बुलाया था, वो 11 बजे पहुंच गई. मानना पड़ेगा सोनाक्षी, वक्त पे पहुंचना तो अच्छी बात है, लेकिन आप तो लगता है हर जगह वक्त से पहले पहुंच जाती है. We hope आपकी ये habit बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स को भी इंस्पायर कर पाए. For रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई. शाहरुख अपनों के लिए कैसे ना कैसे करके वक्त निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इस वीकेंड बिजी स्केड्यूल के चलते हुए भी शाहरुख अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गए, जिसके कुछ विजुअल्स ज़ूम आपके लिए लेकर आए हैं. शाहरुख खान, जो आजकल चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें हमने स्पॉट किया एक बर्थडे पार्टी अटेंड करते हुए और वहां अपनी फिल्म को मिल रहे अमेजिंग रिस्पॉन्स से खुश होकर SRK ने कही ये बात. वैसे तो आपकी फिल्म ने फर्स्ट डे पर ही एक हाथ टाइगर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यह शो आगे भी चेन्नई एक्सप्रेस सलमान के सेट किए हुए बाकी रिकॉर्ड्स भी तोड़ पाएगी. आपको बता दें, SRK के अलावा इस बर्थडे पार्टी को अटेंड किया हुमा कुरैशी, ईशा कोपिकर, चंकी पांडे, जावेद जाफरी, कबीर खान और मिनी माथुर ने भी. हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की फनी इनसाइड गॉसिप फटाफट पीवी एक्सप्रेस में. और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी खबरें फटाफट पीवी एक्सप्रेस में.
ऋषि कपूर आजकल हो गए हैं भुलक्कड़। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के सेट पर वो सबको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तो फिल्म की लीड हीरोइंस परिणीति और वाणी और लीड हीरो सुशांत को भी कभी कभी अलग अलग नाम से बुलाने लग जाते हैं। जहां ऋषि कपूर ये कर रहे हैं तो वहीं उनके बेटे रणबीर कपूर आजकल फुल टू बेशर्म होने पर लगे हैं। वी मीन बेशर्म की शूटिंग पर लगे हैं। हाल ही में शूट किए गए फिल्म के डांस नंबर को देखने के लिए रणबीर ने पूरे 2 दिन का टाइम निकाला और सोर्सेज की माने तो उनको उनका डांस नंबर काफी पसंद आ रहा है। रणबीर को डांस नंबर पसंद आ रहा है तो फरहान अख्तर को एक्टिंग करना, क्योंकि फरहान का कहना है कि अब वो सिर्फ एक्टिंग करेंगे, डायरेक्शन नहीं। रिसेंटली भाग मिल्खा भाग की सक्सेस के बाद फरहान अख्तर के घर के बाहर डायरेक्टर्स की लंबी लाइन लग गई है। जहां फरहान अख्तर के घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई है तो वहीं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर डायरेक्टर बोनी कपूर को पूरी फैमिली के साथ काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी काम नहीं हो पाया। दरअसल श्रीदेवी और बोनी कपूर फैमिली के साथ न्यूयॉर्क गए थे। वहां उन्होंने एक स्मॉल पपी यानी कि डॉगी खरीदा, लेकिन पेपर्स पूरी न होने पर उस पपी को इंडिया नहीं लाने दिया गया। मूविंग ऑन, सैफ अली खान और करीना कपूर आपको एक बार सिल्वर स्क्रीन पर फिर नजर आ सकते हैं एक साथ, क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि सैफ की अपकमिंग रोम कॉम फिल्म हैप्पी एंडिंग में सैफ के साथ करीना कपूर भी हैं। और अब बात अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन के लिए इस बर्थडे में स्पेशल ट्रीट है, क्योंकि जूम को पता चला है कि 11 अक्टूबर को यानी उनके बर्थडे वाले दिन उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म शोले को 3D में ऑडियंस के बीच लाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि बॉलीवुड की एवरग्रीन फिल्म के 3D फॉर्मेट को ऑडियंस का कैसा रिएक्शन मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख के अगेंस्ट विलन होंगे जैकी श्रॉफ। फराह खान की इस फिल्म में विलन का काफी पावरफुल रोल है और जूम को सोर्सेस से पता चला है कि ये रोल फराह ने जैकी श्रॉफ को दे दिया है। अब जैकी दादा और शाहरुख की विलन हीरो की जोड़ी ऑडियंस को कितनी पसंद आती है ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi के Day 3 पर डिजाइनर सत्यपाल और वरुण बहल ने शोकेस की अपनी कलेक्शन। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi के Day 3 पर ace designers सत्यपाल और वरुण बहल ने किया अपना कलेक्शन शोकेस। Designer Satyapal presented his first ever Demi Couture collection on the third day. His collection showcased an interesting combination of experimental silhouettes with textile fabrications, bursts of colors, sheer textures and patchworked prints. As we all know, Satyapal's USP is prints. So, unhone Delhi Couture Week mein bhi isi USP ko kiya promote. Varun Bahl showcased his flight collection, wherein he represented India's rich hand embellishments, embroidery techniques, and fantastical textiles. Varun, in his collection, mixed his signature embroideries with modern silhouettes, which surely did redefine the concept of embellishment. More on PCJ Delhi Couture Week 2013 in association with Audi. Keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel. Planet Bollywood News में इतना ही, लेकिन Bollywood की night life और juicy gossip के लिए देखना ना भूले हमारा show Be Tonight आज रात 10 बजे. Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.